स्वागत है भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की कर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली है। राकेश मिश्रा एमडी जल निगम बनाए गए हैं, तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली, 8 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राकेश मिश्रा को एमडी जल निगम बनाया गया है। हरि प्रताप शाही एसीईओ यूपीडा विभाग के बनाए गए। रविंद्र कुमार से जल निगम का काम हटा लिया गया है। सचिव नगर विकास लेकिन वो बने रहेंगे रविंद्र कुमार। आनंद कुमार सिंह एमडी पराग दूत बनाए गए हैं। कुणाल सिल्कू को विशेष सचिव श्रम बनाया गया है। प्रेम प्रकाश सिंह को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। रीना सिंह कुल सचिव AKTU लखनऊ बनाई गई। संदीप कौर निदेशक महिला कल्याण विभाग से इन्हें अटैच किया गया। तो ये बड़ी जानकारी है, 8 आईएएस अफसरों के तबादले एक बार फिर किए गए हैं। यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले। राकेश मिश्रा एमडी जल निगम बनाए गए। हरि प्रताप शाही एसीईओ यूपीडा विभाग। रविंद्र कुमार से जल निगम का विभाग हटा लिया गया है। सचिव नगर विकास वो बने रहेंगे। आनंद कुमार सिंह एमडी पराग दूत बनाए गए हैं। कुणाल सिल्कू विशेष सचिव श्रम बनाए गए। प्रेम प्रकाश सिंह को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। रीना सिंह कुल सचिव AKTU लखनऊ बनाई गई। संदीप कौर को निदेशक महिला कल्याण विभाग दिया गया है। यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ी तबादला एक्सप्रेस चली है। राकेश मिश्रा को एमडी जल निगम बनाया गया। हरि प्रताप शाही को एसीईओ यूपीडा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र कुमार से जल निगम एमडी का काम हटाया गया है। सचिव नगर विकास के पद पर लेकिन वो काबिज रहेंगे। आनंद कुमार सिंह को एमडी पराग दूत बनाया गया है। कुणाल सिल्कू को विशेष सचिव श्रम बनाया गया है। प्रेम प्रकाश सिंह को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। वहीं रीना सिंह की अगर बात करें तो AKTU की कुल सचिव वो बनाई गई हैं। संदीप कौर निदेशक महिला कल्याण विभाग के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में ये इतनी तब्दीलियां हुई हैं तमाम आईएएस अधिकारियों से जुड़ी हुई, और इन तमाम जो नाम हैं आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन तमाम अफसरों के तबादले हुए हैं। यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राकेश मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जल निगम विभाग के एमडी उनको बनाया गया है। हरि प्रताप शाही को यूपीडा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं रविंद्र कुमार से जल निगम एमडी का काम हटा लिया गया है, लेकिन रविंद्र कुमार सचिव नगर विकास से जुड़े रहेंगे। इस खबर पर मेरे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, ये भी बड़ी जानकारी है, 8 आईएएस अफसरों के तबादले को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, सरकार ने आज सुबह 8 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं। MD PCDF जो पराग दूध बनाता है, आनंद कुमार को उसका नेम दिया गया है। वहां पर कुणाल सिल्कू MD थे, उनको हटाकर अब श्रम विभाग में विशेष सचिव भेजा गया है। इसी तरह से जो रविंद्र थे, जिनके पास वो सचिव भी हैं शासन में नगर विकास के, और एमडी जल निगम का उनके पास चार्ज था, वो हटा दिया गया है चार्ज, और वहां पर राकेश मिश्रा को नया एमडी बनाया गया है। यूपीडा में मनोज कुमार सिंह जब से CEO बने हैं, तो उनके बाद एक नई तैनाती हुई है ACEO के रूप में हरि प्रताप शाही की, और ये इम्पोर्टेंट तैनाती है क्योंकि ये मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, वो सब यूपीडा बना रहा है। तो इस मामले में ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब हरि प्रताप शाही के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी यूपीडा की रहेगी। तो ये आज जो ट्रांसफर हुए हैं ये स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तबादले हैं, और इससे उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के काम में तेजी आएगी, क्योंकि ये सब डेवलपमेंट वाले विभागों से जुड़े हुए तबादले हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 8 आईएएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किए गए, और बेहद महत्वपूर्ण